वैसे कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। पंड्या ब्रदर्स को एक साथ देखकर आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा ना कि क्या ये सब दोबारा मिल गए, क्या पंड्या हाउस में इनकी वापस से री एंट्री हो गई है। अब देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल अब सभी भाई अलग अलग अपने घर में रहने लगे हैं। बड़े तो सेट हो गए हैं लेकिन बच्चे सेट नहीं हो पाए हैं। तभी तो दादी की याद उन्हें सताई और वो देखिए दादी से मिलने सब चले आए। बच्चे सब अपने अपने घरों से भाग गए हैं और यहाँ पे दादी के पास आए हैं अपने, और यहाँ से पता चला नताशा और नहीं नताशा नहीं चीकू भाग चुका है। कहाँ भाग गया? चीकू भागा नहीं, चीकू घर पे है। चीकू तो है ही नहीं, चीकू घर पे पोरबंदर। हां कसम, चीकू तो है ही नहीं, चीकू पोरबंदर में। हां चीकू कहां? घोड़बंदर। पोरबंदर, पोरबंदर, चीकू पोरबंदर में। तो हम लोग वो पंड्या स्टोर के पीछे वाले कमरे में भी आए और सब बहुत टाइम बाद नहीं, घर बिखरने के बाद बना रखे हैं सबके लिए। और वो चाहती है कि हम लोग सब लोग साथ में खाना खाएं, और खाना खाते खाते कुछ ऐसी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जो कि हम सब उसकी वजह से इमोशनल हो जाते हैं। अब बच्चे घर से गायब हुए तो उनके माता पिता बच्चों को ढूंढते ढूंढते देखिए कैसे आ गए अपनी माँ के पास। अब जब ये माँ ने अपने बच्चों को देखा तो वो भी खुश हो गई, और घर में धरा भाभी तो है ही जिन्होंने खाना बनाया था। अब वो जब खाने के लिए ऑफर करे तो भला ये सब कैसे मना कर पाए। तो कुछ ऐसे पंड्या परिवार एक बार फिर से मिला, सुकून से सबने खाना खाया। फिर माँ थोड़ी डांटती है हमें और बोलती है चलो आयो खाना खा के जाओ, तो भाभी का जो खाना बनाया हुआ है उसकी खुशबू से हम मना नहीं कर पाते हैं। बिकॉज चाहे आप कितना ही बाहर का होटल का खाना खा लो, घर का खाने का जो मज़ा है ना वो अभी भी मुंह में टेस्ट होता है। तो आई थिंक इसीलिए सब लोग रुक जाते हैं, सब बैठ के खाना खाते हैं, और फिर सब रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि यार कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी लाइफ में, आगे सक्सेस पाने के लिए हम अपनी रूट्स को ही तो ना छोड़ा है। जब पूरा परिवार मिला है तो धरा को चीकू की भी तो याद आएगी। तो मेरी बात सुन, बस चीकू को लेकर आप जगह आ जाना, तुझे एड्रेस भेज दूंगी, ठीक है? मासूम सा बच्चा है, भले पूरे परिवार में रहने की आदत है उसे, एकदम से देख कर अकेला हो गया होगा, सबकी याद आ रही होगी उसे, तो ले आना चीकू को। तो अब आपको अगली खुशखबरी भी सुना देते हैं, जहां पर हार्दिक यानी की धरा की भाई की शादी होने वाली है। ये पूरा परिवार वहां पर मिलेगा और शायद वो मिलना इन सब का आखिरी मिलना होगा। हाय भाई। हाय धरा, तूने फोन क्यों काट दिया था? वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि सबको न्यूज़ देनी थी तो फटाफट ही मैं कर दिया फोन। हार्दिक भाई, मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।